हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 28 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस की तरफ, फिर देखते हैं आज की हमारी कुछ न्यूज़। पहला जो क्वेश्चन है वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के लेके है। इसके बारे में हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है वो पूछा गया है। ये क्वेश्चन एक्चुअली यूपीएससी ने पूछा था शायद 2014-15 के टाइम पे। तो क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट ही दिया गया है कि इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट ये दिया गया है कि इट्स सर्वाइव टू कंजर्व नेचुरल नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। मतलब कि यह है वो नेचर को कंजर्व करने के लिए रिसर्च एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस का सहारा है वो लेता है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि इट ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट नेचर ट्रायल्स एंड कैंप फॉर जनरल पब्लिक। मतलब जनरल जो पब्लिक है, आम जनता है, उसके लिए लोगों को मतलब अवेयर करवाती है नेचर के लिए, तो कैंप वगैरह वो आयोजित करती है, ट्रायल वगैरह वो आयोजित किए जाते हैं। देखो करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे पूछा गया है। अब देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट हम इसकी बात करते हैं। ये आज का हमारा एक्चुअली आर्टिकल भी है BNHS को लेके, भी न्यूज़ में था, तो हम देख लेते हैं इसके आर्टिकलों के साथ साथ। यहाँ पे देखो हम बात करें BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, यह एक NGO है। मतलब पहला स्टेटमेंट तो साफ साफ गलत हो गया, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक NGO है। तो इसका मतलब पहला अगर हम एलिमिनेट करें तो हमारे पास ऑप्शन बचता है यहाँ पे, या तो बी हो सकता है या फिर सी। बट सेकंड और थर्ड दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं यहाँ पे सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा लगे हाथ ही यहाँ पे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में डिस्कस है वो कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी रिसर्च और कंजर्वेशन के लिए काम है वो करता है। ये मेनली बनाया गया था 1883 में, उसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही और फिगर फैक्ट की बात करें तो ये काफ़ी सारे जो रिसर्चर्स हैं उनको प्रमोट करता है, और जो पब्लिशर्स हैं, जर्नल्स हैं, उनकी हेल्प से कंजर्व है नेचर को करने की कोशिश है वो करता है। इसके साथ ये ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने क्या किया है, उसने इसको साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जिसे डिजाइन है वो किया है। मतलब कि हमारे देश का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर स्थापित है वो किया है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आया है ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट को लेकर। कल ही हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, तो आप दोनों स्टेटमेंट एक बार ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला स्टेटमेंट क्या, अगर आप ढंग से देखिए कि है ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग है डिजिटल हेल्थ के लिए, इसका काम है प्रमोट सेफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाई चिल्ड्रन एंड यूथ। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहे हैं कि फोर्थ ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा ऑर्गेनाइज है, होस्ट है वो किया गया है। अब देखो उसके बारे में हमने कल ही फैक्ट डिस्कस किए थे, यहाँ पे दोनों के दोनों इफेक्ट हैं वो गलत हो जाते हैं। मतलब इसका आंसर है वो डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात है इसका सेकंड एडिशन है वो इंडिया में आयोजित है वो किया जा रहा है। पहला एडिशन था वो 2018 में हुआ था, और सेकंड एडिशन है वो इंडिया होस्ट कर रहा है, तो मतलब दूसरा तो साफ साफ गलत हुआ। अब पहले की बात करें, इसका काम क्या था, ग्लोबल जो गवर्नमेंट्स हो गई ऑल ओवर वर्ल्ड की, जो कि WHO भी इसमें शामिल होगा, वो सब मिलकर क्या करेंगे, हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे, ना कि यहाँ पे अदर सेक्टर पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग है जो कि डिजिटल हेल्थ के ऊपर फोकस है वो करती है। इसका मोटो है कि भाई हेल्थ है इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर में यूज है इसको लेके काम करता है। इसके साथ अगर होस्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके साथ ही WHO, और इसी के साथ ही ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप। मतलब दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है, पहला भी गलत था। तो ये इसके कुछ फैक्ट हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज या आर नॉट द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन इन कीट पॉपुलेशन। में जो कीट की पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन होने के रीजन कौन से नहीं है, तो आप देखिए पहला दिया गया यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, दूसरा देखा है क्लाइमेट चेंज, तीसरा देखा है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, और चौथा दिया गया है इंटेंसिव फार्मिंग। अब आप सोचिए एक बार कि कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है, इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से जो कीट हैं उनकी संख्या में गिरावट नहीं होती है। ऑब्वियसली सब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो इसका आंसर है वो यहाँ पे डी हो जाएगा। डी कैसे होगा, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करो, या फिर बात करें इंटेंसिव फार्मिंग, इन सब की हेल्प से तो कीट हैं उनकी पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं मतलब उतार चढ़ाव है वो आता है। बट इसने पूछा नहीं, तो नहीं की बात करें तो मतलब सारे के सारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे, तो इसका आंसर डी है वो हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, UPSC इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछती है।
देखो मान लीजिए जो हैबिटेट चेंज होता है या जो आवास चेंज होता है उस वो एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो आबादी होती है कीटनाशक कीटों की उसमें गिरावट है वो आती है। या वो इंसेक्ट का मतलब होता है कीट पतंगे, नहीं होते क्या जो उनकी बात की गई है, तो कीट पतंगों की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का अहम रीजन होता है उनका आवास है वो चेंज हो जाना, या वो लुफ्त है वो हो रहा है या धीरे धीरे वो बदल रहा हो। डिफोरेस्टेशन है उसका इफेक्ट भी कहीं ना कहीं अर्बन डेवलपमेंट होता है, इसके साथ ही इंटेंसिव फार्मिंग होती है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इनका नेचुरल आवास है वो प्रभावित होता है। इसके साथ ही बात करें पॉल्यूशन है उसकी वजह से भी देखो पेस्टिसाइड वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो कीटों की संख्या है वो प्रभावित होती है, पेस्टिसाइड भी इनके लिए हार्मफुल होते हैं। क्लाइमेट चेंज है वो भी इनको कहीं ना कहीं इफेक्ट है वो करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंड रहेगी तो जो कीट पतंग है वो ढंग से जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो ये भी एक रीजन है वो हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी कई कई बार पूछ लेती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विजन 2040 के लिखे हैं, विजन 2040 समटाइम सीन इन द न्यूज़, किससे रिलेटेड है ये आप बताइए। पहला दिया गया ऑप्शन एविएशन, दूसरा माइंस, तीसरा दिया गया एग्रीकल्चर, चौथा यहाँ पे दिया गया है एटॉमिक एनर्जी। तो देखो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है, विजन 2040 है वो बेसिकली एविएशन सेक्टर से रिलेटेड है, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है कि 2040 तक जो ग्लोबल एविएशन समिट 2000 है उसमें किस तरीके देखो हुआ क्या था, कंटेक्स्ट के साथ बताऊँ। अभी ग्लोबल एविएशन समिट 2019 है ना वो होने हुआ था, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि भाई जो 2040 के टाइम पे इंडिया में एयर ट्रैफिक है वो कितना बढ़ जाएगा, इंडिया को कितने एयरपोर्ट की जरूरत होगी, कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, तो उसके लिए विजन 2040 है वो चलाया गया था कि मैं 2040 तक ये हमारे अंदर देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करना होगा एविएशन सेक्टर में, तो उसको लेके है विजन 2040 ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आज का हमारा आर्टिकल था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसको हमने कवर कर लिया क्वेश्चन के फॉर्म में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है इलीगल माइग्रेंट को लेके, सॉरी इलीगल इमिग्रेंट। देखो इलीगल इमिग्रेंट को लेकर मुद्दा क्या है, अभी अभी आपको पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 है उसको लेकर काफ़ी बहस है वो चल रही है, कुछ स्टेट उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ उसका मतलब अपोज सपोर्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह इशू है वो चल रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि इलीगल इमिग्रेंट्स होते कौन से हैं। देखो इलीगल इमिग्रेंट वो होते हैं वो पर्सन जो कि इंडिया में इंडिया की बात नहीं किसी भी कंट्री के लिए ले सकते हो, कि ये इंडिया के अगर अभी हम देखें तो इंडिया के नज़रिए से देखते हैं कि वो पर्सन जो विदाउट वैलिड पासवर्ड मतलब कोई ढंग का जो वैलिड पासवर्ड है उसके बिना इंडिया में रह रहा है, मतलब उसको परमिशन नहीं है इंडिया में रहने की फिर भी वो जबरदस्ती परमिशन जबरदस्ती रह रहा है, चाहे वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के तरीके से रह रहा हो या फिर उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया फिर भी वो चोरी छुपे रह रहा हो, तो वो हो जाता है यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट। ये है बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट की परिभाषा, तो आपको ध्यान में रखनी है। अभी देखो हमारे देश में नागरिकता की बात करें तो उसके लिए एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1995, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी रिसेंटली सिटीजनशिप एक्ट 1995 काम कर रहा है, बट अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 है उसको पास किया जाए तो फिर नया एक्ट है वो आ जाएगा। आपको यूपीएससी ये पूछ सकती है यहाँ पे कि हमारे देश में नागरिकता है वो कौन कौन से 5 फैक्टर के आधार पर मिल सकती है। पहला है बर्थ, दूसरा यहाँ पे डिसेंट, तीसरा दिया गया रजिस्ट्रेशन, चौथा गया नेचुरलाइजेशन और पाँचवा दिया गया यहाँ पे इन कॉपोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब कि भारत कोई भी भूमि का बाहरी एरिया को अगर अधिकृत करता है तो वो पर्सन स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होगा, नेचुरल बाई बर्थ से कि जो भी यहाँ का पर्सन उसके दादा परदादा मतलब पुश्तैनी खानदान यहाँ पे रह रहा है तो वो नेचुरलाइजेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन का मतलब उसने पंजीकरण करवाया हो इंडिया में तो वो भारत का नागरिक हो जाता है। डिसेंट का मतलब उसकी उत्पत्ति या वो भारत के अंदर पैदा हो, बाई बर्थ का मतलब भारत के अंदर वो मतलब जन्म से ही भारत में रह रहा हो। तो ये कुछ रीजन्स हैं जिनके कुछ क्राइटेरिया हैं इनके आधार पर हमारे देश में नागरिकता है वो दी जाती है, तो आपको 5 फैक्टर ध्यान रखने यूपीएससी इनके बारे में पूछ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है वर्ल्ड लार्जेस्ट भागवत गीता को लेके। देखो अभी कंटेक्स्ट ही आया है कि विश्व की सबसे बड़ी जो हेवेस्ट भागवत गीता बुक है वो एक्चुअली दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में स्थापित है वो की गई है, तो ये आप कुछ फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं कि जो सबसे बड़ी भागवत गीता है ये इटली के अंदर एक तरीके से प्रकाशित है, इटली के अंदर इसको मतलब डेवलप है तैयार है वो किया गया था, सिंथेटिक पेपर की हेल्प से वाटर प्रूफ है और यहाँ पे एंटीरियर मतलब फटेगी भी नहीं और वाटर प्रूफ इसका पेपर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी होली बुक है, हम यह बात करते हैं धार्मिक बुक है जो कि इतनी बड़ी है। अब देखो आप इस्कॉन के बारे में ध्यान रखना, इस्कॉन की फुल फॉर्म यहाँ पे है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा
कॉन्शियसनेस, तो ये आपको ध्यान रखना, जो इस्कॉन टेम्पल आपने जगह जगह देखे होंगे, दिल्ली में देखा होगा, जयपुर, जगह जगह ऑल ओवर इंडिया में बने हुए हैं। तो हमारे देश में लगभग काफ़ी सारे 400 से आसपास टेम्पल हैं इस ग्रुप ने बना रखे हैं। यह क्या है, यह एक्चुअली हरे कृष्णा मूवमेंट के तहत वर्ल्ड वाइड कॉन्फेडरेशन के तौर पर एक मतलब ग्रुप है जिसने जगह जगह पर मंदिर हैं वो बनाए हैं। तो इन्होंने रेस्टोरेंट वगैरह भी ओपन करके रखते हैं, कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट भी डेवलप है वो करते हैं। तो वही दिल्ली का जो इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पर भागवत गीता है उसका मतलब जो बुक है, नई बुक है वो स्थापित की गई है, तो उसी को लेकर न्यूज आई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यूएन वुमेन को लेके। देखो कंटेक्स्ट के साथ डिस्कस करते हैं, कंटेक्स्ट के साथ सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ये है कि उड़ीसा की जो स्टेट असेंबली है उसने अभी ये डिसीजन लिया था नवंबर 2018 में, रिजोल्यूशन पारित किया था कि भाई वुमेन है उनको 33% रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा स्टेट जो असेंबली हो एंड पार्लियामेंट दोनों दोनों जगह, मतलब स्टेट के अंदर भी और सेंट्रल लेवल पे भी उनको रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा वुमेन को। ये एक्चुअली वहाँ के चीफ मिनिस्टर उनका डिसीजन है, तो यूपीएससी चीफ मिनिस्टर का नाम वगैरह तो यहाँ पर नहीं पूछने वाली, ये तो होगा बैकग्राउंड। अब बात ऐसी है कि उन्होंने 33% रिजर्वेशन देने की बात की ना, इस मौके पे यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन यानी कि यूएन वुमेन है उसने उनके इस कदम को सराहा है या उनकी प्रशंसा की है यूडीसा की, भी आपने काफ़ी अच्छा स्टेप है वो लिया है और पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में 33% रिजर्वेशन है वो दिया है। ध्यान रखना कि 33% दिया है ना कि 50%, इसमें यूपीएससी की बार कन्फ्यूज वो कर सकती है। देखो यूएन वुमेन है ना वो बनाया गया था जुलाई 2010 में, 2 जुलाई 2010 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है उसने यूएन वुमेन को क्रिएट है वो किया था। यूएन वुमेन है उसका काम क्या है कि वुमेन के जो इंटरेस्ट है, वुमेन को एम्पावरमेंट को लेकर यह काम है वो करती है, मतलब जेंडर इक्वलिटी और इसके साथ वुमेन को एम्पावरमेंट का इसका काफ़ी अहम रोल है वो होता है काम इसका। जैसे मैंने आपको बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर यह काम है वो करती है और जेंडर इक्वलिटी के लिए स्टेप है वो उठाती है, तो ये कुछ इसके फैक्ट है जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हाँ देखो जो आपको बताऊंगा पीडीएफ वगैरह को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो पीडीएफ आप वेलकम यूपीएससी का पेज है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जैसे मुंडाल की वीडियो वगैरह वो भी आप वहाँ से आराम से देख हो सकते हो। तो आप प्लीज़ जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल की इतना ही, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।